हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी ऑटोमोबाइल इन्फो। गाइस, यामा एफजेडएस वर्सन 3 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल यानी कि यामा एफजेडएस वर्सन 4 2022 में लॉन्च होगी और इसका लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि गाइस यामा ने R15 V3 को R15 V4 में अपडेट किया है और MT15 को भी MT15 वर्सन 2.0 के अंदर अपडेट किया है। और अब अगला नंबर एफजेडएस वर्सन 3 का है। यामा ने एफजेडएस वर्सन 3 को वर्सन 4 के अंदर अपडेट करेगी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा एफजेडएस वर्सन 4 का क्या डिजाइन रखा जाएगा, इस बाइक के अंदर क्या नया फीचर्स आने वाला है, क्या बाइक का पावर में इंक्रीज देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और ये बाइक कौन सी मंथ में लॉन्च होने वाली है, इन सभी के बारे में गाइस आपको डिटेल में बताने वाला हो। तो गाइस, अगर आप यामा एफजेडएस वर्सन 4 के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे जरूर एंड तक देखना, ताकि गाइस बाइक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। और गाइस, आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि गाइस कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, तो यामा एफजेडएस वर्सन 4 का लुक काफ़ी मस्कुलर होगा पुराने वाली एफजेडएस वर्सन 3 के कंपेयर में। इस बाइक का हेडलाइट को चेंज किया जाएगा। वर्सन 4 में आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाएगा, साथ में एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलेगा, और इसका रियर प्रोफाइल सेम देखने को मिल जाएगा वर्सन 3 का जैसा ही। और इस बाइक के अंदर आपको न्यू कलर स्कीम के साथ न्यू बॉडी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि इन सेगमेंट में बाकी बाइकों में देखने को मिलता है। और गाइस, इस बाइक का मीटर कंसोल का साइज काफ़ी छोटा है। तो गाइस, न्यू एफजेडएस वर्सन 4 के अंदर आपको MT15 वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, और न्यू बाइक के अंदर लेदर सीट दिया जाएगा, जिसका वजह से सीटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल होगा और सीट हाइट पहले के जैसा सेम रहेगा। तो गाइस, अगर आपका हाइट 5'2" तो आप इस बाइक को ईजिली राइड कर लेंगे। और इस बाइक का फ्यूल टैंक सेम देखने को मिलेगा और एलॉय व्हील का डिजाइन भी सेम रहेगा। गाइस, अब इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन को ट्यून किया जाएगा, मतलब इंजन सेम रहेगा लेकिन बाइक का पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करा जाएगा। करंट मॉडल के अंदर आपको 12.4 BHP मैक्सिमम पावर देखने को मिलता है, लेकिन एफजेडएस वर्सन 4 के अंदर आपको 14 से लेकर 15 BHP पावर देखने को मिल सकता है, और वही सेम 5 स्पीड गियरबॉक्स सेटअप देखने को मिलेगा। गाइस, फीचर्स के बारे में बात करें, यामा एफजेडएस वर्सन 4 में आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट के साथ एलईडी रियरल्स देखने को मिलेगा, न्यू कलर के साथ न्यू बॉडी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट कंसोल का साइज पहले से थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, और इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर्स, सिल्वर क्लच और राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलने वाला है। और इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS के साथ डुअल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इस बाइक का सस्पेंशन, टायर साइज एंड डायमेंशन सेम रहेगा पहले के जैसा। गाइस, फाइनली लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में बात करें, यामा ने इस बाइक को सितंबर से अक्टूबर के बीच में लॉन्च करने वाली है, और इस बाइक का प्राइस करेंट मॉडल से 5,000 to 6,000 रुपये ज़्यादा होंगे। तो गाइस, एफजेडएस वर्सन 4 का एक्सपेक्टेड एक्सट्रीम प्राइस स्टैंडर्ड मॉडल का 1,20,000 से लेकर 1,25,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप यामा एफजेडएस वर्सन 4 को परचेस करना चाहते हैं तो आपको और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल गाइस, वीडियो आज इतना ही है। यामा एफजेडएस वर्सन 4 के बारे में जानकारी आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि गाइस कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।